मधुबनी शहर से लेकर गांव तक में एक घंटे की बारिश से शहर के इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में बारिश के पानी घरों के अंदर घुस गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती रही है। शहर के विनोदानंद कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, गादियानी महिला कॉलेज रोड सहित विभिन्न वार्डो में जगह जगह जल जमाव से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि शहर में हर वर्ष बारिश के मौसम में शहर को जल जमाव की समस्या से दो चार होना पड़ता रहा है। खासकर बरसात के समय शहरवासियों को परेशानियों का भयंकर सामना करना पड़ता है। कई मोहल्ले के लोगों को अपने घरों से बाहर निकल पाना असंभव हो जाता है। कई लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाने से लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शहर में जल जमाव को लेकर बीते दिनों शहर के कई जगहों का निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ नाला बंद हो रखा है और जिसके कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही है, वैसी जगह को चिन्हित कर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और बताया कि बिना देर किए बरसात पूर्व सभी बंद पड़े नाले को चालू कराया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि अगर कोई भी नाले में कूड़ा डालता है उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। डीएम के निर्देश के बाद भी नाले की सफाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर एक घंटे बारिश में ही शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो पानी पानी हो गई। बारिश के पानी से जो यहाँ पे जल जमाव होता है, क्या आप लोगों को क्या परेशानी है, कितनी परेशानी उठाने पड़ती है? परेशानी यही है जो बारिश का पानी इतना नहीं लगता है। इधर का जो पानी आता है ना बाजार वाला, वो चौबट्टा मोड़ वाला, वो पानी से होता है। जल निकासी तो नहीं है ना? जल निकासी नहीं है, इसका समस्या हर जगह जाम रहती है। नाला हर जगह जाम रहता है? हर जगह जाम रहती है, इसी कारण हर साल यही दूर रहता है कि इतना पानी होता है बारिश में, हर घर में घुस जाता है पानी। घर में भी घुस जाता है पानी? हाँ, घर में भी घुस जाता है पानी। पिछले साल तो 5 बार पानी हुआ तो हम लोग घर में इतना इतना पानी था नीचे वाला फ्लैट में। अच्छा, और आज जो बारिश हुई है एक घंटे के आज नहीं हुआ है, 1 घंटे के बारिश से कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही दूर लगता है, उधर नहीं लगता है। धारा के कारण यहाँ पानी अटकता है। आपका नाम क्या हुआ? शंकर मिश्रा। कहाँ घर हुआ? यही घर हुआ, विनोदानंद कॉलोनी में ही आपका घर।